और धनबाद के झरिया अंचल में जमीन के गड़बड़ झाले का ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। बताया जा रहा है आरोप अमीन पर लग रहे हैं कि अमीन ने पहले रैयती जमीन को देखकर रैयती जमीन के मालिक से रिश्वत मांगी और जब रिश्वत नहीं मिली तो उस जमीन को गैर मजरुआ सरकारी जमीन कागजातों में दिखा दिया और इतना ही नहीं एक बोर्ड भी लगा दिया। क्या कुछ हुआ है पूरे मामले को लेकर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। झरिया अंचल के इस भूखंड को और इस पर लगे सरकारी बोर्ड को जरा ध्यान से देखिए। ये बोर्ड बता रहा है कि जमीन सरकारी है मगर कागजातों पर यह रैयती जमीन है। जमीन के मालिक का कहना है कि झरिया अंचल के अमीन ने उनसे रिश्वत मांगी और डिमांड पूरी नहीं होने पर जमीन के सरकारी होने का बोर्ड लगवा दिया। जमीन मालिक ने अंचल कार्यालय के अधिकारियों से गुहार लगाई मगर किसी ने उनकी नहीं सुनी। वो मामला उपायुक्त के पास लेकर गए तो उन्होंने एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया। जांच में ये बात सामने आई कि वाकई में जमीन रैयती है, जिसके बाद उपायुक्त ने दोषी अमीन पर कार्रवाई की बात कही है। इसके लिए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जो भी एसी के विचार में है उनको मामला दिया गया था कि किसी दूसरे अमीन से। उसमें अंचल कार्यालय का यह कहना है कि माफी विधिवत जो पार्टी है उनके समक्ष कराई गई थी और माफी में वो जमीन सरकारी आई है इसलिए वहाँ पर सरकारी जमीन का बोर्ड लगा है। लेकिन चूंकि रैयत ने आवेदन दिया है कि उनका दावा है कि वो प्राइवेट जमीन है तो किसी दूसरे जमीन से माफी करके अंचल अधिकारी पुनः स्वयं उसका निरीक्षण करके रिपोर्ट भेजेंगे। अगर कोई गलती या कोई नला फाइली उस केस में किया गया है तो जो संबंधित कर्मचारी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। अगर नहीं है तो वो सरकारी जमीन है पाई जाती है तो वही जांच के लिए आया अमीन ने कहा है कि दो दिनों में वो अपनी रिपोर्ट फाइल कर देंगे जिसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जांच में सामने आया कि जोड़ा पोखर मौजा 110 में लगभग 40 डिसमिल जमीन स्वर्गीय रैयत हराधन महतो के नाम से खतियान में दर्ज है और राजेन उनका पुत्र है मगर अमीन कृष्णा यादव ने जोड़ा पोखर बस्ती निवासी रैयत राजेन सिंह के नाम की जगह उसे सरकारी जमीन बता दिया। मैटर जनवरी 2021 से ही चल रहा है, उसमें भी नापी के लिए हम लोग आए हुए थे 2 जनवरी 2021 को, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया था। राजन महतो नाम जो रैयत का है वो बार बार ऑफिस आ रहे हैं अपना आवेदन लेकर के, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। तो ये कुछ दिनों पहले की बात है, लगभग 15 दिन पहले की, कि यहाँ पर जो सामने रामदेव ठाकुर रहते हैं उनके द्वारा अतिक्रमण का शिकायत किया गया था सीओ ऑफिस में। तो यहाँ पर कृष्णा अमीन जो अंचल झरिया के हैं उनके द्वारा यहाँ बोर्ड गाड़ दिया गया, लेकिन बोर्ड गाड़ने की जानकारी हमको नहीं दी गई थी। उसके बाद इलीगल है, लीगल है, उस बात को हम अभी नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो तो साबित होगा, क्योंकि मैं कर्मचारी हूँ, अमीन नहीं। प्लॉट डिसाइड अमीन करते हैं, अमीन के द्वारा बोर्ड गाड़ दिया गया। बस उसके बाद ये रैयत सीओ सर के पास गए, उनको जानकारी दी गई, सीओ सर जिला में अपने चिट्ठी भेजे भी कि दूसरा आमीन प्रतिनियुक्त करके यहाँ पे आमीन नापी कराई जाए, और सीओ सर की चिट्ठी और उपायुक्त के आदेश के निर्देश पर यहाँ पर प्रतिनियुक्त नापी की जा रही है प्रतिनियुक्त आमीन के द्वारा। और जब आमीन द्वारा जब रिपोर्ट दे दिया जाएगा तो फैसला हो जाएगा कि बोर्ड सही लगा है या बोर्ड गलत लगा है। इसमें अंचल के द्वारा आवेदन दिया गया था, रैयत के द्वारा भी आवेदन दिया गया था, मौजा संख्या 110 झरिया अंचल के अंतर्गत जोड़ा पोखर मौजा, जिसमें कुल 5 प्लॉट का अंचल द्वारा कंफर्म वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण रैयत जिला में जा करके अपर समर्थक के आवेदन दिए थे। उसके आलोक में मैं जिला भोजन नामी इंद्रजीत माथुर आज कुल 5 मौजा का मापी प्लॉट का 5 प्लॉट का मापी कर वो चिन्हित कर दिया गया। अभी तक जिस प्लॉट का आवेदन दिया गया था ये प्लॉट रहती है, रहती खाते की जमीन। जांचकर्ता अमीन ने जल्द रिपोर्ट देने की बात कही है। ऐसे में अमीन का फर्जीवाड़ा साबित होने के बाद उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। धनबाद से न्यूज़ 22 स्कोप के लिए राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट।